समाज ने बहुत समय तक उनको गरीब बना के, अपाहिज बना के, कमजोर बना के रखा, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई। उसके हाथ में पुलिस नहीं है, उसके हाथ में पुलिस होती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जेल में होते हैं। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ, आज तारीख तक इस धरती पर प्राण की उपासना करने वाला सिर्फ एक शख्स पैदा हुआ, उसी का नाम है गौतम बुद्ध। प्राण की धारणा पे कितने लोग काम कर रहे हैं दुनिया में बताइए, किसको पता है कि इस समय प्राण शक्ति वायुमंडल में कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रही, किसको पता बताइए। आप उसी प्राण वायु को वायु देव मानते हैं, उसी सूर्य को सूर्य भगवान मानते हैं, गौतम बुद्ध तो नहीं मानते थे भगवान, वो तो कहते थे प्रकृति है। बात ये है कि वो सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहे हैं। उनके सबसे निकट कौन था? उनका अनुयायी जो 20 साल उनके साथ रहा। जो मरने लगे तो बोला कोई खास चीज तो आप मुझे बता दो, स्वामी जी अब दुनिया से जा रहे हो आप, बताओ उन्होंने क्या कहा। तब उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ 20 साल तक रहा, मेरे हर दिन की एक्टिविटी को देखने के बाद भी वो एक कदम मुझे नहीं पहचान सका, इसका मतलब मैं दुनिया को हाथ जोड़ के कहता हूँ अब तो जो तिलमाघी तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके। ये कह करके उन्होंने अपना सब कुछ रोक दिया, मौन कर लिया अपने आप को। तो बहुत लंबे समय तक मौन रहे। लोगों ने कहा कि आप बोलिए, आपसे समाज जानना चाहता। कितनी पीड़ा की बात है, हम मुनि पतंजलि को जिसको सारी दुनिया मान रही है, 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा कि आप दो घोषणाएं कर दीजिए, योग इज 1-1 और दुनिया में सिर्फ दो जातियां स्त्री और पुरुष, सारे बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खुल जाते, लाखों करोड़ों बच्चों को दुनिया में रोजगार मिलता। हम ऐसा नहीं कर सके, उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना था। घोषणा घर कर देने से क्या व्यवस्थाएं बदल जाती? घोषणा तो आपसे 50 साल पहले हो गई कि अब जातियों पे जिससे तो ये एट्रॉसिटीज नहीं होंगी, लोग किसी को भी उसकी जाति के उपनाम से ऐसे संबोधित करके नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज भी लोग गाली देते हैं ना जाति के नाम से। संविधान में सब कुछ है कि रिजर्वेशन है कि क्यों? समाज ने बहुत समय तक उनको गरीब बना के, अपाहिज बना के, कमजोर बना के रखा, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई, उनको उठाने का, उनको उठाने का मौका मिले। 75 सालों तक व्यवस्था लागू की नहीं, लागू करने के लिए समाज में जागृति चाहिए ना, समाज में जागृति है क्या? वो कैसे लाएगा? मेन मुद्दे समाज, मैं तो हर चीज मुद्दे की कर रहा हूँ, कोई चीज मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ। आप मेरी भावना को समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी आपके जन में प्रश्न चल रहा है कि मैं क्या प्रश्न करूँगी, आप पहले मेरा उत्तर सुनो अगर मुझे आप सुनना चाहती हैं। बात बिल्कुल सीधी सीधी है, भारत का जो जनतांत्रिक स्वरूप है वो सीधा सीधा आपके वोट से प्रकट होता है। जब तक समाज अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग इस देश पे कब्जा करके बने रहेंगे और सारी जनता तमाशबीन बने रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और समाज को जगाने का एक ही तरीका है कि समाज को शिक्षित करिए, और जीवन के बुनियादी हकों पर ये काम शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को मैं एक बात के लिए समर्थन देता हूँ, वो शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। मेरा ये कहना है आने वाले समय में उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया डेमोक्रेसी के लिए। मंत्री का समर्थन नहीं कर रहा है, बात यह है उसको चुनाव लड़ना है अभी, अभी वो सत्ता में है क्या केंद्र में? अभी वो सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री भी ऐसे प्रदेश का जो लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, उसके हाथ में पुलिस नहीं है, उसके हाथ में पुलिस होती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जेल में होते हैं। इन्होंने इतनी हत्याएं करवाई गुजरात के अंदर, सारी फाइलें गायब करा दी, अभी सचिवालय में आग लगवा दी उन्होंने। मैं कहता हूँ कोई भी पीएम बने, सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ये कहेगा कि मैं पीएम को उम्मीदवार हूँ तो मेरा कहना उसकी जमानत जब्त करो। आप अपने एमपी और एमएलए चुनो, उनको डिजाइन करने दो घोषणा पत्र डिलीवर करवाने के लिए कि साहब हम इस कंडीशन से एमपी बन के आए हैं, आपको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमें ये घोषणा पत्र अपने इलाके में लेके जाना। अवतारवाद की धारणा ना तो बुद्ध मानते थे ना मैं मानता, आप सनातन धर्म को मानते? सनातन तो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है, वो कहता है चरैवेति चरैवेति, जितना मैंने जाना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हर्षानंद 66 साल का होकर जितना समाज को, प्रकृति को, दुनिया को समझ सका वो आपके सामने रख रहा हूँ, पर ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी नहीं है, ये एक शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आए जहाँ पे प्रधानमंत्री अपना हैंडबैग, प्रधानमंत्री अपना हैंडबैग, प्रधानमंत्री अपना हैंडबैग और खाने का टिफिन साथ में लेके जाए, 6 घंटे खड़ा होकर ड्यूटी दे, तनख्वाह ले और कोई अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों का सहारा न ले। वो खुद ही नहीं मानते थे तो मैं कैसे मानूं? उन्होंने खुद ही कहा मैं एक साधारण इंसान हूँ, उन्होंने खुद ने नहीं कहा तो मैं कैसे मान लूं कि अवतार है। और ये अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है
तो अवतार कैसे हो गया? अवतार का मतलब तो अवतर ही तो ना, तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, समाज ने उसे अपनी व्यवस्था से रामकृष्ण और नानक जीसस पैगंबर बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।